शुक्रिया। एज अ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मन की बात डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला, आज जो मन की बात हुई है इसका फर्स्ट एपिसोड 2014 में हुआ और आज जो दिल की किताब श्री नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ी है पूरे जम्मू एंड कश्मीर की, वो मन की बात सुना रहा है। जो हमारे मन में बातें थे जो आज तक हम किसी को नहीं बोल सकते थे, जो हमारी दिल की किताब कोई पढ़ नहीं सकता था, वो सिर्फ वाहिद एक ही है, वज़ीर आज़म हिंद श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दिल की किताब पढ़ के आज मन की बात स्टार्ट हो रही है। और तकरीबन हज़ारों के तादाद में डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला के लोगों ने, आम सोसाइटी में जो रहते हैं उन्होंने मन की बात सुनी है और बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कब मन की बात हम सुनेंगे। आज बहुत लोगों ने शिरकत की है और तकरीबन हर पोलिंग बूथ पे आज मन की बात हुई और कहीं बड़े कार्यक्रम भी हुए मन की बात को लेके। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी का, और जिन्होंने हमें बात सुनाई, जिन्होंने इस जम्मू एंड कश्मीर को प्रमोट किया, जिन्होंने इस जम्मू एंड कश्मीर को वजूद में लाया, जिन सियासतदानों ने इसको दबा के रखा था वो वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आज इस युवा को जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से उस दलदल से निकाल के इस कश्मीर को डिजिटल कश्मीर बनाया है। 100 एपिसोड आज पूरा हुआ है मन की बात का और इसमें ये बात ज़रूरी मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया की वसादत से, जो यहाँ पे बोलते थे हम पूर्व इंडियन हैं जिन्होंने 70 साल राज किया है, जो आइंदे हिंद जिन्होंने तस्लीम किया था उन्होंने कभी तिरंगा हाथ में नहीं उठाया था, ये हमारे वज़ीर आज़म हिंद है जिन्होंने इस दहशत से निकाला हमें। और आप देखिए जो यहाँ पे घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आज पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखोगे हर घर पे हर गली में एक तिरंगा नज़र आएगा आपको, वो सिर्फ वही है श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इसको देश को आज़ाद किया उन जंगलों से, उन सियासतदानों से। आज बेखौफ हज़ारों के तादाद में नरेंद्र जी मोदी का जो प्रोग्राम है मन की बात का उसमें शिरकत कर रहे हैं और बिना झिझक, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, यहाँ का युवा, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के बच्चे, यहाँ की हमारी माँ बहनें जिन्होंने शिरकत की है और उस चीज़ को हम सलाम करते हैं जो हमें कभी ये मौका नहीं मिला था। वो एक ही हुकूमत थी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जब वजूद में आई 2014 में, तब से हमें भी मौका मिला, एक प्लेटफार्म मिला यहाँ के युवा को। जिस तरह आप देखते हो पंचायत इलेक्शन हुए, BDC DDC जो हमने कभी नहीं देखा था, आज जम्मू एंड कश्मीर की नुमाइंदगी अगर करते हैं वो एक आम नौजवान करता था, जिस नौजवान के साथ इन हुकूमतों ने जो 70 साल में रहे इत्तिसाल किया था, जिन हुकूमतों ने यहाँ के मरगुजारों को आबाद किया, जिन हुकूमतों ने यहाँ के जेलों को आबाद किया, उस जंगल से हमें नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने निकाला, उस हुकूमत को हम आज सलाम करते हैं। वाहिद एक ही है, वो भारतीय जनता पार्टी। मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ, यह आज मन के बात में हमारे दिग्गज नेता जो सेंटर में हैं उन्होंने आज मन की बात में ये बताया कि जो तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जो कभी नहीं हुआ था, जो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था, आज देखिए इस हुकूमत में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये आवाज़ उठाई, हर घर में आज, हर बच्चे के पास आज तिरंगा नज़र आएगा। जिस देश में हम रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है।